टिकट चाहिए तो पैसा दो। जी हां, झारखंड विधानसभा चुनाव में खुलेआम टिकट के बदले पैसे लिए जा रहे हैं। अमूमन आप सुनते होंगे या कहीं सुना होगा टेलीविजन पर या लोगों से बातचीत करते हुए कि फलाने पार्टी ने इतना पैसा लिया है टिकट के बदले। जी हां, ये सारी घटनाएं पर्दे के पीछे होती है, टेबल के नीचे होती है। ये आरोप लगते रहते हैं हर राजनीतिक दल पर, लेकिन झारखंड में JMM यानी कि झारखंड मुक्ति मोर्चा हेमंत सोरेन की जो पार्टी है खुलेआम टिकट के बदले पैसे ले रही है। हमारे साथ हमारे प्रधान संपादक सुनील राउत जी हैं जो इनसाइड स्टोरी बताएंगे कि टिकट के बदले सर पैसे जो लिया जा रहा है झारखंड में क्या मामला है और आखिर JMM टिकट के बदले खुलेआम सबके सामने पैसे क्यों ले रही है। बिल्कुल नीतीश, आप सही मतलब कह रहे हैं। दर्शक भी सोच रहे होंगे कि अरे यार ये ऐसे कैसे हो गया, लेकिन ये मैं बताऊं कि ऑफिशियल है। पार्टी की ओर से जो केंद्रीय समिति की बैठक हुई है उस बैठक में बाकायदा ये फैसला लिया गया है कि अगर आपको टिकट चाहिए तो आपको पैसे देने पड़ेंगे और वो अंडर द टेबल नहीं होगा, वो आपको ऑफिशियल पैसा देना है। बैंक से बाकायदा आपको एक ड्राफ्ट बनाना है और ड्राफ्ट पार्टी फंड के नाम से आप बनाएंगे, पार्टी फंड में पैसा डालिए और उस आवेदन के साथ उस ड्राफ्ट की रिसीट लगाइए, तब जाके आपको टिकट का आपका जो है वो कंसीडर किया जाएगा, माना जाएगा कि आप दावेदार हैं। तो ये हुआ है। आप ये कह सकते, कई लोग कहेंगे कि अरे फेक है, ऐसे कैसे हो सकता है, लेकिन इसके लिए आप गूगल पर भी आपको खबरें मिल जाएगी और जो केंद्रीय समिति के झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेताओं से भी आप बात कर सकते हैं, क्योंकि झारखंड मुक्ति मोर्चा के कई नेता जो है ये जो पार्टी की ओर से फरमान आया है इसका दबी जुबान में विरोध भी कर रहे हैं कि यार ये कैसा है। बेसिकली होता क्या है कि हर पार्टी कार्यकर्ता की इच्छा होती है कोई विधायक बने, वो भी नेता बने, वो भी सदन में बैठे, तो चुनाव की तारीखें जैसे जैसे नज़दीक आती है, चुनाव जैसे जैसे नज़दीक आता है तो केंद्रीय कार्यालयों के बाहर या फिर जो पार्टी के दफ्तर होते हैं उसके बाहर नेताओं की भीड़ जुटनी शुरू हो जाती है। बायोडेटा एकदम अपना सब बना के साल भर हमने क्या किया है, कहाँ प्रदर्शन किया है, कहाँ नारेबाजी की, अखबार में कितनी फोटो छपी है, पूरा एकदम लंबा चौड़ा फाइल लेके हर कार्यकर्ता पहुँच जाता है, अपने नेताओं के पास पहुँच जाता है और वो फाइलें जगह जगह जमा कराता है कि भाई साहब कंसीडर करिए, हमने बहुत काम किया पार्टी के लिए, हमारा बहुत लंबा चौड़ा जनाधार है, हमको टिकट दीजिए। तो ये जो फैसला लिया है झारखंड मुक्ति मोर्चा ने, ये ऐसे ही दावेदार जो है, अति उत्साही दावेदार जो है, बहुत जो समर्थक आ जाते हैं। बेसिकली हुआ ये कि चुनाव आते ही पार्टी कार्यालयों के बाहर लंबी भीड़ लग गई बायोडेटा लेकर लोगों की, तो पार्टी के और जगह जगह पर पोस्टर बैनर लगने लग गए कि भावी विधायक दावेदार, तो उससे पार्टी के सामने एक प्रश्न चिन्ह हुआ कि भाई सीटें तो लिमिटेड है, अब गठबंधन में चुनाव लड़ना है, कुछ सीटें कांग्रेस पार्टी को भी देनी है आपको, तो इसीलिए पार्टी नेतृत्व में फैसला किया कि भैया ठीक है आपको टिकट चाहिए ना तो कोरा आवेदन लेके मत आइए, कोरा आवेदन कंसीडर नहीं किया जाएगा और आप 51,000 रुपये का एक ड्राफ्ट बनवाइए और वो ड्राफ्ट जो आपका आवेदन है उसके साथ सबमिट करिए और दे दीजिए। और इसमें जिला जो समिति है आपकी, जो डिस्ट्रिक्ट कमेटी होती है, उसकी अनुशंसा भी नहीं चाहिए। अगर 51,000 दे दिए आपने तो अनुशंसा की जरूरत नहीं है। तो सर, सीधे इनको पैसा की क्या जरूरत है, हेमंत सोरेन खुद वहां पर सरकार में है, हेमंत सोरेन का पारिवारिक राजनीतिक पृष्ठभूमि रहा है, इनको क्या जरूरत है पैसा का। हाँ नहीं, बिल्कुल सही सवाल है। ऐसा नहीं कि पार्टी फंड में बहुत पैसे का कमी हो गया है, पार्टी फंड में पैसे की कमी नहीं है, लेकिन चूंकि ये जो नए नए उत्साहित नेताजी होते हैं, ये पार्टी ने जो फैसला लिया है, ये जो फिर अंतर विरोध सामने आता है, एक एक सीट से 50-50 का भी तो अधिकार है ना। हाँ, उनका भी तो हक है। नहीं तो इसीलिए कह रहे कि पैसा दीजिए, फॉर्म जब फीस होता है ना, जैसे देखिए एक होता है फ्री में फॉर्म, बेरोजगार युवाओं के लिए भी फीस क्यों रखी जाती है, ताकि जो एलिजिबल कैंडिडेट है जिसको लगता है कि हाँ ये एग्जाम हम क्रैक कर लेंगे, वही उस एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए भर सके, इसलिए उसके बाद फीस होती है 200 रुपया, 1,000 रुपया, 2,000 रुपया। अगर फ्री रख देंगे तो जो अंगूठा छाप है जिसको कुछ नहीं आता वो भी फॉर्म भर देगा कि चलो यार फॉर्म भर देते हैं, आ जाएगा तो आ जाए, सरकार की टेंशन बढ़ेगी, सबकी स्क्रूटनी करनी पड़ेगी। तो भाई आप जब दावेदारी आपके पास 50 टिकट के आएंगे नेताजी की, तो सबकी स्क्रूटनी तो आपको करनी पड़ेगी, और दावेदारी मतलब आपके पास अगर उसने फॉर्म भर दिया तो उसकी आकांक्षा हो गई कि यार मुझे टिकट मिलना चाहिए, और नहीं टिकट मिला तो भीतरघात अंतर विरोध की संभावनाएं ज़्यादा हो जाती है। तो इसलिए पार्टी ने फॉर्मूला निकाला कि पैसा अगर मांग लेंगे तो कम दावेदारी आएगी, और इसका असर भी दिखने लगा है। जो लोग बैनर पोस्टर छपाने का ऑर्डर दे रहे थे, गली मोहल्ले पे चौक चौराहों पर चिपकाने का जिन्होंने प्रबंध कर लिया था,
सब ठंडे बस्ते में हो गया, ऑर्डर कैंसिल हो गए। उधर खबर है कि जो छपाई के ऑर्डर दिए थे वो ऑर्डर सब कैंसिल हो गए, अभी रुक गए हैं। जो 51,000 दे के जिसको उम्मीद है, अब 51,000 कौन दाव पे लगाएगा, उसको पता है कि 51,000 एक बार दे दिए तो टिकट भी नहीं मिलेगा, 51,000 भी जाएगा। तो इसलिए जो जिसको लग रहा है कि हाँ हमें दावेदारी करनी चाहिए, तो अब ऐसा होगा कि एक सीट से 3-4 दावेदार हैं। सवाल करते हैं, हाँ। बहुत सारी पार्टियां बोलती है कि हम पिछड़ों के पार्टी के नेतृत्व करते हैं, हाँ। गरीबों के हम मसीहा हैं, हाँ। आदिवासियों के संकट को हम सदन में लाएंगे, हाँ। तो क्या जेएमएम से कोई गरीब विधायक नहीं बन सकता? नहीं, बिल्कुल। कहां से 51,000 रुपया लेकर आए? यही प्रश्न है नीतीश, ये प्रश्न बहुत अच्छा आपने पूछा है कि 51,000 रुपए की फीस रख के आपने लोकतंत्र में जो सबसे निचले पायदान पर आपका कार्यकर्ता है, जिसके ख्वाहिश है कि वो भी विधायक बने, वो भी झारखंड मुक्ति मोर्चा का जो झंडा डंडा उठा के दरी बिछाता है वो भी विधायक का दावेदार, उस पर आपने रोक लगा दी। आप सिर्फ जो बाहुबली जो पैसे वाले लोग हैं उन लोगों के लिए आप कह रहे, जिनके लिए 51,000 कोई मायने नहीं रखता है उन लोगों के लिए कह रहे कि वो आइए। तो ये एक लोकतंत्र में जो आपके पार्टी के कार्यकर्ताओं का एक तरह से अधिकार है, उस पर ये पैसे की चोट करके उस पर रोक लगाने का ये एक प्रयत्न है। और इस पर मुझे लगता है कि सोरेन साहब को पुनर्विचार करना चाहिए, क्योंकि ये राजनीतिक दल का ये काम है कि आपके पास अगर 1,00,000 भी आवेदन आते हैं तो उसकी स्क्रूटनी करें आप, और जो योग्य उम्मीदवार है जो आपको लगता है उसको आप मैदान में उतारें। लेकिन आप एक तरह से 51,000 रुपये का दबाव डालकर उस पर प्रेशर बनाकर उसको आप आउट कर देंगे, आप लोकतांत्रिक प्रक्रिया से उसको बाहर कर देंगे। तो आप लोगों ने सुना कि किस तरीके से जेएमएम यानी कि झारखंड मुक्ति मोर्चा टिकट के बदले पैसे ले रही है, और इस जेएमएम के निर्णय पर आप तमाम दर्शक क्या सोचते हैं कमेंट करके जरूर बताएं। बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बन रहे हमारे साथ, धन्यवाद। वीके न्यूज़, राष्ट्र के नाम।